इस फोन को रिलीज हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी ये डिवाइस काफी ज्यादा डिमांड में रहती है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं जिसे मैंने कंप्लीट रिव्यू में कवर किया, पर सबसे बड़ी रीजन इसका कैमरा है। बैक पे सिंगल 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, पर इसके रिजल्ट्स देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। वीडियो में एक पोर्शन ऐसा भी आएगा कि आप इस फोन को उसी टाइम ही परचेज करने का डिसाइड कर लेंगे। इसके कैमरा स्पेक्स की बात करें तो आपको बैक पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है जिसका अपर्चर f/1.8 है, और कैमरा में पिक्सल साइज आपको 1.4 माइक्रोन मिल रहा है जो कि काफी इंप्रेसिव है। तो बढ़ते हैं जरा इसकी कैमरा ऐप की तरफ, और पहले देखते हैं कि फोन दिन में कैसी फोटोज कैप्चर करता है। इसकी कैमरा ऐप का इंटरफेस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफी नीट, क्लीन और इजी टू यूज है। सिंगल कैमरा होने की वजह से आपको कोई जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, आप जस्ट टैप टू फोकस कर सकते हैं और एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। कैमरा ऐप में आपको थोड़ी सी और सेटिंग्स मिल जाती है जिससे आप फोटोज में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल फिल्टर्स आते हैं और मोस्टली मैंने लोगों को विविड यूज करते हुए देखा, बट अभी टेस्टिंग के लिए मैं कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं करूंगा ताकि मैं आपको कैमरा के एक्यूरेट रिजल्ट दिखा सकूं। अब मैं आपको इसके कैमरा का जूम चेक करवाता हूं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं इस पे 2 से 2.5 टाइम जूम कर चुका हूं, और जूमिंग के बावजूद भी कैमरा काफी ज्यादा स्टेबल है। मैं इसको मैक्सिमम जूम कर लेता हूं जो कि मेरे ख्याल से 5x के अराउंड है। मैक्सिमम जूम और सिंगल कैमरा होने के बावजूद भी कैमरा काफी हद तक यूजेबल फोटोज कैप्चर कर रहा है। फोटोज मैंने कैप्चर कर ली है, और अब जरा रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। पहली फोटो इसके 1x जूम लेवल पे ली गई, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फोटो के कलर्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। एप्पल के पुराने फोन की सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती थी कि उनके फोन सबसे एक्यूरेट कलर्स रिप्रोड्यूस करते थे। फोटो काफी शार्प और इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। फोटो देखने से आपको HDR इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर इस टाइम काफी ज्यादा फॉग थी जिसकी वजह से सेम यही एनवायरनमेंट था, और कैमरा ने बिल्कुल एक्यूरेसी से इसे कैप्चर किया। इसका HDR कितना स्ट्रॉन्ग है इसका आईडिया आपको फोटो के डार्क एरिया से होगा जिसको कैमरा ने काफी अच्छे तरीके से एक्सपोज रखा है। ये इसका अराउंड 2x जूम्ड इन शॉट है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फोटो काफी सॉलिड है। जूम्ड इन होने के बावजूद फोटो काफी ज्यादा शार्प है, और फोटो में काफी ज्यादा डिटेल्स है। आप इसे फर्दर भी जूम इन कर सकते हैं, और फोटो में आपको बिल्कुल भी पिक्सल्स नजर नहीं आएंगे। दिखने में आपको फोटो बिल्कुल डल और म्यूटेड सी लग रही होगी, पर कैमरा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कैप्चर कर रहा है। पर कैमरा इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा कैप्चर करता है जो कि बाद में आपको फोटो एडिटिंग के टाइम काफी हेल्प आउट करती है। ये इसका मैक्सिमम जूम्ड इन शॉट है, और मेरे ख्याल से ये 5x है। पिक्चर क्वालिटी वाइज फोटो इतना इंप्रेसिव तो नहीं है, पर काफी हद तक यूजेबल शॉट है। इतने ज्यादा जूम इन के बावजूद भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट भी मिल रहा है। ये इसका मैक्रो शॉट है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये भी काफी ज्यादा डिटेल्ड है। वंस अगेन कैमरा काफी म्यूटेड और एक्यूरेट कलर्स कैप्चर कर रहा है, पर इसे आप एडिट करके अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़े से एडिटिंग के टच से आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, और ये किसी जादू से कम नहीं है। वंस अगेन कैमरा काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है जिससे आप एडिटिंग में काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। फोटो के कलर्स एक्यूरेट होने की वजह से आपको एडिटिंग में काफी अपर हैंड मिल जाता है, आप डिस्टॉर्शन के बिना काफी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी वीडियोग्राफी के बारे में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एप्पल की डिवाइसेस अपनी वीडियो के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। इधर भी सेम ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और इस 5 साल पुरानी डिवाइस पे भी आप 4K 60fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी टेस्टिंग के लिए मैं वीडियो को 1080p 60fps पे सेट कर रहा हूं। तो दोस्तों अभी हम शूट करें iPhone XR के साथ, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो कितनी ज्यादा बटरी स्मूथ है। मैं वीडियो में आपको जूम इन करके दिखा देता हूं, और इतने ज्यादा जूम के बावजूद भी आपकी वीडियो काफी ज्यादा स्टेबल है, और आपकी वीडियो में डिटेल्स काफी अच्छी है। इसी प्राइस ब्रैकेट की एंड्रॉइड डिवाइसेस काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स करते हैं जिससे वीडियो काफी ज्यादा जिटरी हो जाती है, पर इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है। वीडियो काफी ज्यादा बटरी स्मूथ है, और ऐसी वीडियो आपको किसी भी एंड्रॉइड फोन में तो नहीं मिलने वाली। अब जरा बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड के बारे में, और जैसे कि आप लोग जानते हैं इसकी बैक पे सिंगल कैमरा है, तो डेप्थ मैपिंग के लिए कोई प्रॉपर हार्डवेयर ना होने की वजह से इस फोन को सॉफ्टवेयर पे रिलाय करना पड़ता है, जिसकी वजह से पोर्ट्रेट मोड जस्ट ह्यूमंस पे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट्स पे वर्क नहीं करता। और ये देखिए ह्यूमन फेस डिटेक्ट होते ही कैमरा ने ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई कर दिया। इसमें आपको पोर्ट्रेट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो फोटोज मैंने कैप्चर कर ली, और हम जरा बढ़ते हैं इसके रिजल्ट्स की तरफ, बट आप लोग एक चीज मिस कर गए। सिर्फ आप भी नहीं बल्कि इस फोन का कैमरा भी उसे मिस कर गया। अब शायद आपको नजर आ गया, और यहीं से आप लोग आइडिया लगाएं कि इस फोन की डेप्थ मैपिंग कितनी वीक है। बट ओवरऑल एज डिटेक्शन काफी अच्छी है, और पोर्ट्रेट मोड में आपको बैकग्राउंड काफी अच्छा मिल रहा है। और उसी के साथ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बैकग्राउंड ब्लर के साथ आपको HDR भी काफी सॉलिड मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स के अलावा पोर्ट्रेट मोड काफी सॉलिड वर्क करता है। इस फोटो में आपको आइडिया होगा कि इसका कैमरा ट्रिकी सिनेरियोस को कैसे हैंडल करता है। तो आप लोग देख सकते हैं फोटो में 2 फेस हैं, और कैमरा ने दोनों को फोकस में रखा और दोनों का काफी एक्यूरेट कटआउट निकाला। साइकिल का हैंडल इन फोकस है, बट सेम डिस्टेंस पे रखी हुई साइकिल की बॉडी इसने ब्लर कर दी है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड काफी सॉलिड है, बट थोड़ा सा भी ट्रिकी सिनेरियो आया नहीं, और पोर्ट्रेट मोड मैस क्रिएट कर जाता है।
अब जरा बात कर लेते हैं लो लाइट पोर्ट्रेट मोड की। तो अंधेरे में इसका पोर्ट्रेट मोड कैसा वर्क करता है? लेटेस्ट आईफोन की तरह इसमें लाइडर स्कैनर नहीं है, जिसकी वजह से आपको इसमें लो लाइट पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता। पर सिंगल कैमरा और इस लिमिटेड हार्डवेयर के साथ देखते हैं इसका कैमरा कैसे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करता है। फोटो मैंने कैप्चर कर ली और अब जरा बढ़ते हैं इसके रिजल्ट्स की तरफ। तो ये बिल्कुल अंधेरे का फोटो नहीं है, सनसेट के बाद जो हल्की हल्की रोशनी होती है उसमें मैंने ये फोटो कैप्चर किया। लो लाइट के बावजूद एज डिटेक्शन आपको काफी अच्छी मिल रही है और साथ ही पोर्ट्रेट मोड में HDR भी काफी सॉलिड मिल रहा है। पर हमारे पैरेट को कैमरा बिल्कुल ब्लर आउट कर गया। इस शॉट में भी कैमरा ने काफी सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर किया, आप इसको एडिट करके इसमें कलर्स और ब्राइटनेस ऐड कर सकते हैं। और ये उसका छोटा सा डेमो है, आप लोग फोटो को डिस्टॉर्ट किए बगैर कितनी हद तक बेहतर कर सकते हैं। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें लेटेस्ट आईफोन्स की तरह नाइट मोड नहीं आता। लो लाइट शॉट्स के लिए आपको नॉर्मल कैमरा पर ही रिलाई करना पड़ता है। बट एक चीज मैंने नोट किया, रोशनी कम होते ही कैमरा की शटर स्पीड कम हो जाती है। कैमरा शटर ज्यादा देर ओपन रहता ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर सके। मैंने मल्टीपल लोकेशंस पे डिफरेंट लो लाइट शॉट्स लिए तो आपको उनके रिजल्ट शेयर करता हूं। पहली फोटो बिल्कुल सनसेट के बाद कैप्चर की हुई है और आप लोग देखें फोटो काफी हद तक डिसेंट है। फोटो के डार्क एरियाज में नॉइज बिल्कुल ना होने के बराबर है और लो लाइट होने के बावजूद कैमरा का फोकस काफी अच्छा था, जिसकी वजह से आपको फोटो में शार्पनेस भी मिल रही है। अगेन इस फोटो में भी काफी सारी रॉ इन्फॉर्मेशन है जिसे कैमरा प्रोसेस नहीं कर सका, पर आप इसी फोटो को बाद में काफी ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं। ये लो लाइट शॉट है आर्टिफिशियल लाइटिंग के साथ। मैं देखना चाह रहा था कैमरा फोटो के डार्क एरियाज और ब्राइट एरियाज को कैसे बैलेंस रखता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक ब्राइट साइन बोर्ड है जिसे कैमरा ने काफी अच्छी तरह से एक्सपोज रखा है और ये फोटो का डार्क पोर्शन यहाँ पे भी नॉइज बिल्कुल ना होने के बराबर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोटो में डिटेल्स कितनी अच्छी तरह से मेंटेन है। नाइट मोड ना होने के बावजूद भी इसका कैमरा काफी सॉलिड इमेजेस प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक और शॉट है डार्क स्काई का और आप लोग देख सकते हैं आसमान में आपको थोड़ा थोड़ा नॉइज फील हो रहा होगा क्योंकि आसमान बिल्कुल डार्क होने की वजह से कैमरा ने ISO को काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया, जिसके रिजल्ट में आपको ये नॉइज मिल रहा है। और हमारे ये दरख्त ग्रीन कलर का था पर इस पे आर्टिफिशियल लाइट पड़ने से कैमरा कलर्स को बेटर वे में हैंडल नहीं कर सका। स्टिल मैं इस फोटो को काफी यूजेबल रैंक करूंगा क्योंकि 5 साल पुराने डिवाइस से आप और मजीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जरा बारी आती है लो लाइट वीडियोग्राफी की और लो लाइट में शूट करने के लिए आपको FPS कम से कम रखने पड़ते हैं। तो वीडियो सेटिंग मैंने 1080p 60fps से हटा के 1080p 30fps पे सेट कर दिया ताकि कैमरा मैक्सिमम लाइट कैप्चर कर सके और कम फ्रेम्स होने की वजह से आपको HDR भी अच्छा मिले। डे टाइम वीडियोग्राफी में भी अगर आपको HDR अच्छा चाहिए तो आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट करें। इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो आपके सामने मैं लो लाइट वीडियो शूट कर रहा हूं, ये बिल्कुल सनसेट के बाद का टाइम है। 30 फ्रेम्स होने की वजह से वीडियो में थोड़ी सी जिटरनेस है, आप लोग देख सकते हैं मैं जैसे ही फ्रेम मूव करता हूं आपको वीडियो में का सा लैग फील होगा। पर इतनी कम रोशनी में अगर यहाँ पे पिक्सल 5 भी होता तो ऐसी वीडियो शूट ना कर पाता। ये वीडियो का डार्क पोर्शन है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेम में आते ही कैमरा ने उसे ब्राइट कर दिया। तो ओवरऑल प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज इस फोन की वीडियोग्राफी काफी ज्यादा सॉलिड है। जैसा कि वीडियो में आप लोग देख चुके हैं इस फोन का कैमरा काफी डिसेंट था। इस फोन के कैमरा का अगर आप किसी और फोन के कैमरा के साथ कंपैरिजन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस दें। इसी फोन की प्राइस ब्रैकेट में गूगल पिक्सल की डिवाइसेस भी आती हैं, सोनी की डिवाइसेस भी आती हैं और सैमसंग की डिवाइसेस भी आती हैं। तो फोन आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसमें मैं वोटिंग करूंगा, जो भी फोन विन करेगा मैं उसके साथ इसका कंपैरिजन करूंगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वो वीडियोस मिस ना हो। ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी एफर्ट अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। इस फोन का अगर आप कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको यहां पे मिलेगी। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।